फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं जैना ज्वेलर्स आबुलन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग घोटाले की। विजय माल्या, नीरव मोदी व मेहुल चौकसी ने बैंकिंग सिस्टम की जैसे नींव ही हिलाकर रख दी। इस कड़ी में एक और नया नाम जुड़ गया, पीएमसी बैंक का। 4,355 करोड़ रुपए के इस घोटाले ने बीते दिन एक ग्राहक की जान ले ली। सफेदपोश अपराध, यही संज्ञा दी जा रही है महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक घोटाले की। प्रबंधन की मिलीभगत से ऐसी कंपनी SDIL को लोन दे दिया गया जिसने 4 अन्य बैंकों के रुपए भी डकारे हैं। RBI ने अनियमितता पाते हुए कार्रवाई की तो इसका सीधा असर बैंक के 9 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं पर पड़ा। इन लोगों का पैसा सुरक्षा के नाम पर इस बैंक में जमा है, जिस पर अब RBI ने रोक लगा दी है। RBI ने लोगों की परेशानी को देखते हुए भले ही निकासी की रकम 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी है, लेकिन प्रबंधन व कंपनियों के इस मकड़ जाल ने आज बैंक ग्राहक संजय गुलाटी की जान ले ली। 90 लाख रुपए संजय के बैंक में फंसे हुए और वह पाई पाई के लिए मोहताज हो गए थे। माना जा रहा है कि संजय गुलाटी की मौत इस बात का संकेत है कि यदि जल्द ही भारत सरकार ने इस समस्या का समाधान ना किया तो ऐसे मामलों में और इजाफा हो सकता है। संजय वह शख्स है जिसकी अभी हाल ही में आर्थिक मंदी के चलते संकट में आई जेट एयरवेज से नौकरी चली गई थी। संजय ने कल ही विरोध प्रदर्शन में भाग भी लिया था। आइए आपको बताते हैं कि क्या है पीएमसी बैंक। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना 13 फरवरी 1984 को एकल शाखा सहकारी बैंक के रूप में की गई थी। यह बैंक एक बहुराज्य अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक है। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश समेत 6 राज्यों में फैली हुई है। 35 साल में ही इसकी शाखाओं की संख्या 137 हो गई। इसमें 1814 लोग कार्यरत हैं और यह देश के टॉप 10 सहकारी बैंकों में से एक है। स्थापना के वक्त पीएमसी सहकारी बैंक था, लेकिन सन 2000 में RBI ने इसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का दर्जा दे दिया था। इस बैंक की कुल जमा धनराशि करीब 11,617.34 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं घोटाले की, यानी कि कैसे हुआ यह स्कैम। पुलिस आर्थिक अपराध शाखा की जांच में यह बात सामने आई है कि इस बैंक में 21,049 खाते फर्जी तरीके से खोले गए थे। इन फर्जी खातेदारों में से अधिकांश या तो मृत थे या फिर इन लोगों ने अपने बैंक खाते कब के बंद करवा लिए थे। ये फर्जी खाते कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं बनाए गए थे, बल्कि उन्हें एडवांस मास्टर इंटेंट एंट्री के रूप में RBI के सामने पेश किया गया था। बैंक के कर्ता धर्ता ने बैंक द्वारा दिए गए कुल लोन का करीब 70% लोन एक कंपनी SDIL व उसकी सहायक कंपनियों को दे दिया। यह लोन छिपाने के लिए ही 44 लोन अकाउंट खोले गए थे। बैंक घोटाले की यह धनराशि 4,355 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह घोटाला उस वक्त जानकारी में आया जब SDIL अपना लोन नहीं चुका पाई और बैंक का NPA 70% तक पहुंच गया। नतीजतन खाता धारकों को पैसा निकालना मुश्किल होने लगा। मुश्किल की बात जब जंगल में आग की तरह फैली तो बैंक ने खातेदारों को पैसा देने से मना कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस घोटाले का पर्दाफाश पीएमसी बैंक के क्रेडिट विभाग की महिला कर्मचारियों के एक समूह ने किया। इस खुलासे के बाद ही RBI ने पैसा निकासी पर रोक लगा दी और इससे ग्राहकों में हाहाकार मच गया। देश में विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी ने के बैंकों से जुड़े मामले पहले ही देश के बैंकिंग सिस्टम की नींव को हिला चुके हैं। कई नामचीन राजनेताओं को घेरने में इस्तेमाल होने वाले इन नामों को भारत लाने की कोशिश चल रही है, लेकिन अभी दिल्ली दूर ही नजर आ रही है। कुल मिलाकर प्रवर्तन निदेशालय ED ने LDIL समूह की 35,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को सील कर दिया है, जबकि प्रमुख राकेश वधावन व उनके बेटे सारंग वधावन और पूर्व चेयरमैन वरियाम सिंह को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज है, लेकिन वह फरार है। तीनों की हिरासत अवधि 16 अक्टूबर तक बढ़ी हुई है। शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा था कि यह मामला सीधे सीधे RBI से जुड़ा है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि संकट में फंसे बैंक के हर खाताधारक के हित का ख्याल रखा जाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी दोहराया है कि जिन लोगों ने गबन किया है उनकी संपत्तियां सील कर दी गई हैं, ग्राहकों का पैसा भी जल्द ही मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी ही खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।